केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत खराब होने के बाद अब उनके मृत्यु की खबर सामने आई है। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली माधवी राजे करीब 3 महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती थीं। लोकसभा चुनाव के बीच आई इस खबर ने सबको सकते में डाल दिया है। सिंधिया परिवार में इस वक्त शोक की लहर दौड़ गई है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं माधवी राजे की शादी, घराने और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखने वाली माधवी राजे सिंधिया किसी पहचान की मोहताज नहीं। इनके शाही परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। माधवी राजे के पिता युद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। माधवी राजे को प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी के नाम से भी जाना जाता है। 1966 में नेपाल राजघराने की राजकुमारी माधवी राजे की ग्वालियर रियासत के अंतिम शासक महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के पुत्र माधव राव सिंधिया के साथ शादी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमारी माधवी राजे की तस्वीर देखने के बाद माधव राव सिंधिया के मन में शादी से पहले उन्हें देखने का विचार आया, लेकिन परिवार ने इसको लेकर एतराज जताया, जिसके बाद माधव राव को बिना देखे ही शादी करनी पड़ी। खास बात ये रही कि शादी का वेन्यू दिल्ली में तय हुआ, जिसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। माधव राव ट्रेन से ही ग्वालियर से बारात लेकर गए थे। शादी के बाद माधवी राजे ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहने लगी। इनके 2 बच्चे ज्योतिरादित्य सिंधिया और चित्रांगदा सिंह हैं। हालांकि 56 साल की उम्र में पति माधव राव का एक विमान हादसे में 30 सितंबर 2001 में निधन हो गया, जिसके बाद माधवी राजे का ग्वालियर आना जाना कम हो गया। राजमाता माधवी राजे के पति माधव राव की मौत के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विरासत के साथ अपने पिता की राजनीतिक विरासत भी संभाली। गुना से सांसद हुए, उधर बेटी चित्रांगदा की शादी 11 दिसंबर 1987 के दिन जम्मू कश्मीर और जमवाल घराने के युवराज विक्रमादित्य सिंह के साथ हुई। आपको बता दें, सिंधिया परिवार को 60 के दशक में नेपाल के राज परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया था, जिसके बाद 1966 में माधवी राजे का सिंधिया राजघराने के महाराजा माधव राव सिंधिया से विवाह हुआ था। 60 के दशक में सिंधिया परिवार में नेपाल राजघराने की तरफ से शादी का प्रस्ताव आया, जिसे ग्वालियर घराने ने स्वीकार किया। विवाह से पूर्व उनका नाम किरण राज लक्ष्मी था, जिसे मराठी परंपरा के अनुसार बदलकर माधवी राजे सिंधिया किया गया। 8 मई 1966 को हुई शादी के बाद माधवी राजे सिंधिया परिवार की बहू बनकर ग्वालियर लौटी, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान महल की ओर से जाने वाले पूरे मार्ग को फूल से सजाया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।